अमृत यूनिवर्स, आपने अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको यहाँ पर एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब का, आपने इसे क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, ठीक है। और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कोर्सेज़ के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से और ऑनलाइन मनी, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मोर अपडेट्स के लिए और सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, चाहे वो डो फोटोशॉप हो, IDM हो या कोई ब्राउज़र हो, ठीक है, उन सबको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। और यहाँ पर आपको हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स वगैरह, तमाम के तमाम वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप अटेंड कर सकते हैं, और हमारे यहाँ से भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, गूगल प्लस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं व्यूअर्स आप अपनी वीडियो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसके अंदर हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि होस्ट फाइल को किस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो होस्ट फाइल को व्यूअर्स एडिट करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। होस्ट फाइल अक्सर ज़्यादातर हम लोग एडिट इसलिए करते हैं कि जैसे कोई विंडो क्रैक करने के लिए या कोई सॉफ्टवेयर क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने होस्ट फाइल को आप किस तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो होस्ट फाइल को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर में सी फाइल में जाएंगे, ठीक है। डिस्क सी में आकर यहाँ पर आपकी विंडोज़ है, वहाँ पर आपने विंडोज़ में आना है। विंडोज़ में आने के बाद यहाँ पर सिस्टम 32 को आप सर्च करेंगे। सिस्टम 32 को सर्च करते ही ये देखिए सिस्टम 32 आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक करना है। सिस्टम 32 के बाद आप यहाँ पे ड्राइवर्स, ये आ गया ड्राइवर्स, ठीक है। ड्राइवर्स में आके ही ETC, ठीक है, जिसको हम एक्सेट्रा भी बोलते हैं, ETC में आएंगे। तो यहाँ आपके पास फर्स्ट में आ गया आपकी होस्ट फाइल, ठीक है। तो अगर मैं इस होस्ट फाइल को ओपन करता हूँ, ओपन विथ, ठीक है, ये नोटपैड में ओपन होगा। नोटपैड में आपने इसे ओपन करना है। नोटपैड में मैंने इसे ओपन किया, तो ओपन करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर कुछ भी एडिट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एडिट किया इसको थोड़ा सा, ठीक है। एडिट करने के बाद अगर मैं इसको सेव करता हूँ, तो सेव करने के लिए, ठीक है, इसी थी, ठीक है, तो मैं सेव करता हूँ और यस करता हूँ, ठीक है। तो अप्रिशिएट नो, ये मुझे कह रहा है कि वहाँ पर आप इसको सेव नहीं कर सकते। तो मैं दोबारा फिर से यहीं पर आता हूँ, सिस्टम 32, ठीक है, सिस्टम 32 में आके ड्राइवर्स में आके एक्सेट्रा में, और यहाँ पर आकर मैं इसको अगर आल फाइल्स में भी करता हूँ, तो ये देखिए आल फाइल्स में आकर सेव करता हूँ, तो ये देखिए ये कह रहा है जी यहाँ पर यू डू नॉट हैव परमिशन टू सेव इन दिस लोकेशन, ठीक है। आप यहाँ पर इसको सेव नहीं कर सकते, इस चीज़ की आपको परमिशन नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। मैं अगर येस भी करूँ तो ये देखिए मुझे सेव नहीं करने देगा, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से भी मैंने कैंसिल किया। अगर मैं इसको यहाँ से सेव करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखिए, ठीक है, ये मुझे सेव नहीं करने दे रहा। तो अगर मैं इसको ओपन करता भी हूँ, तो अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूँ आपके सामने, तो ये देखिए ये एडिट नहीं हुई। तो आपने इसको एडिट किस तरह से कर सकते हैं, आपने इस होस्ट फाइल को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर अपने किसी भी ऐसे डेस्कटॉप पर कर लीजिए, या अपनी पार्टीशन में आके आपने किसी भी फोल्डर में यहाँ पे आकर इसे पेस्ट कर देंगे कंप्यूटर में। सिर्फ आपने विंडोज़ में नहीं करना, विंडोज़ के अलावा आप डेस्कटॉप के ऊपर करें, जहाँ मर्जी करें, ठीक है, वहाँ पर आके अब आपने इसको ओपन विथ नोटपैड कर लेना है। नोटपैड में इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसे एडिट करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे एडिट करने के लिए अगर मैं इसको, ठीक है, क्लोज करूँगा, तो मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए ये सेव हो गया। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ नोटपैड में, तो ये देखिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब वहाँ पर वापस जाएंगे सिस्टम 32, ड्राइवर्स, एक्सेट्रा में, और यहाँ पर होस्टिंग में आके आप यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के लिए आपसे कहेगा रिप्लेस द फाइल दी डेस्टिनेशन, आपने इसे यहाँ से रिप्लेस कर देना। उसके बाद ये आपसे कंटिन्यू की परमिशन मांगेगा, आपने इसे कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद ये देखिए हमारी होस्ट फाइल यहाँ पर आ गई। अब मैं इस होस्ट फाइल को अगर ये आप देख सकते हैं, लोकल डिस्क, विंडोज़, सिस्टम 32, ड्राइवर्स एंड एक्सेट्रा यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड, नोटपैड में मैंने इसे ओपन किया, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर ये जो हमने एडिट किया था अब यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप अपनी होस्ट फाइल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है।
अक्सर हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह मिल जाते हैं जो होस्ट फाइल में एडिट करना होता है, ठीक है, उसके डाउनलोड कुछ लिखना होता है तो वो क्रैक हो जाते हैं, तो उसमें ये आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने दोस्तों में, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।